नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, जिनको हिंदी में पोषण कहते हैं। में देखा जाए तो जो न्यूट्रिशन होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉप्स, एंड जो सेकंड वाला जो होता है वो होता है हेटरोट्रॉप्स। तो जो ऑटोट्रॉप्स होता है, यहाँ पे ये बात है, ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉप्स में बताएंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना जो फूड मटेरियल से वो स्वयं बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अर्थात कोई भी जीव जब वो अपना भोजन स्वयं बनाता है तो हम लोग उसको स्वपोषी कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, तो हम उसको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स जो होता है, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके वो अपना भोजन को बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कौन करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करता है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वही करता है जिनके पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होता हो। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कौन करता है, प्लांट करता है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट में दो तरह की चीज़ होते हैं, एक तो प्रोड्यूसर होता है और दूसरा जो होता है फ्लोरा होता है। प्रोड्यूसर और फ्लोरा होता है। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस में होती है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो किस ऑर्गेनिजम्स में होता है, किस प्लांट में होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शैवाल, एल्गी। एल्गी प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत तेज़ होती है। एल्गी जो प्लांट होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये बहुत बहुत फास्टली होता है और अधिक होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस किन किन चीज़ों से मिलकर के वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, कौन कौन से ऐसे चीज़ है, कौन कौन से ऐसे तत्व है जब वो मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। तो जो फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन ये रहा, CO2 प्लस H2O, फिर यहाँ पे आपका एरो लग जाएगा, ऊपर हम सनलाइट दिखा देंगे और नीचे दिखा देंगे क्लोरोफिल। यहाँ पे बन जा रहा है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सबसे पहले क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिमूव करता है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वे सभी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो जल होता है जिनको हम H2 कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ ही साथ जो प्लांट होते हैं उनमें जो पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में, इन सभी की उपस्थितियों में जो प्लांट होते हैं वो क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, और प्लस क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो यही जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट की किस पार्ट में होता है, पौधे की किस भाग में होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये आपका लीफ वाले पार्ट में होता है, पत्ती वाले भाग में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पत्ती होता है, इस पत्ती में आपका क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, इसी क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर पिगमेंट, तो यहाँ पे हम बता देंगे हरे रंग का वर्णक होता है, अर्थात ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कौन, क्लोरोफिल। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं इसके आगे, अगर हम चर्चा कर ले तो इसमें कुछ दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को हम समझेंगे कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही वो धातु है जो क्लोरोफिल में क्या होता है, पाया जाता है।
और यहीं पे इसकी दूसरी मैं बात करूँ कि क्लोरोफिल की खोज किसने की, जो क्लोरोफिल है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसकी डिस्कवर किसने की थी, तो उसकी जो खोज है वो सिंपर ने किया था। क्लोरोफिल की खोज सिंपर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स में मैंने आप लोग को बता दिया प्लांट क्या है, वो प्लांट क्या है। ऑटोट्रॉप्स में मैंने ये बता दिया कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सभी के सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल होता है तो इसके कारण ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे करते हैं इसका मैंने इक्वेशन बता दिया था। तो ये अब तक हम लोग पढ़े ऑटोट्रॉप्स के बारे में, और ऑटोट्रॉप्स की मैं कुछ और बातें को बता दूँ। और देखिए, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को रसोई घर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रसोई का घर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये फूड बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसे रसोई का घर कहते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, वो प्लांट वो प्रोड्यूसर हम उसको कह रहे हैं। प्रोड्यूसर इसलिए करते हैं क्योंकि वो फूड प्रोसेस की प्रक्रिया करता है, वो भोजन को तैयार करता है। और भोजन किस रूप में तैयार करता है, तो वो ग्लूकोज के रूप में भोजन तैयार करता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इसके मैं प्लांट की फीचर्स मैं बता दूँ, तो दूसरा जो प्लांट की फीचर है वो है फूड स्टोर करता है, अर्थात तो वो भोजन को संग्रहित करता है। किस रूप में करता है, तो स्टार्च के रूप में करता है। स्टार्च के रूप में ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है। आगे चर्चा करते हैं। देखिए, पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी खनिज को अवशोषण करने की प्रक्रिया को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि जितने भी प्लांट होते हैं, सभी प्लांट के जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स सॉयल से वाटर को एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस आपका कैपिलरी एक्शन कहलाता है। इसकी अगली पॉइंट की बात करें, वाटर एंड मिनरल्स तथा ऐसे कर सकते हैं, वाटर एंड मिनरल्स यानी जल तथा खनिज को पौधे के ऊपर तक जाइलम के द्वारा जाता है। कहने का मतलब है कि जो उनके जो रूट्स है, प्लांट के जो रूट्स है, वो मिनरल्स को और वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये नीचे से ऊपर कैसे जाता है, तो ये नीचे से ऊपर जो होता है ये जाइलम के द्वारा जाता है।